औरैया में एक दरोगा ने अपनी शर्मनाक करतूत से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की छवि खराब की है। जहां दबियापुर थाने में तैनात दरोगा ने एक फरियादी महिला का 3 साल तक शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। 3 साल पहले महिला दहेज प्रताड़ना की शिकायत लेकर पहुंची थी, जहां विवेचक दरोगा मुकेश कुमार ने फरियादी महिला को विश्वास में लिया और ससुराल जनों के खिलाफ चार्जशीट लगाने का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। उसके बाद से ही दरोगा महिला का लगातार शोषण करता रहा। वहीं महिला दरोगा से काफी परेशान हो गई तो उसने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई। मामले को लेकर सीओ सदर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, आरोपी दरोगा को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। दिव्यापुर थाने में तैनात एक एसआई पर एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2020 में अपने नियुक्ति के दौरान इनके द्वारा दहेज प्रताड़ना का विवेचना किया जा रहा था। विवेचना के दौरान महिला संपर्क में आई, तब से लेकर अब तक बहला फुसला करके एवं जबरदस्ती से उसका शारीरिक उत्पीड़न किया जाता रहा है। महिला के तहरीर के आधार पर दिव्यापुर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।